बेटी आप पहुंचा है चंडीगढ़ और चंडीगढ़ में खास मेहमान है जो साथ वो है अजय। जो अजय काफी दिनों बाद। जी काफी दिनों बाद। तो यहाँ पर जो है स्वर्ण भवन में स्वर्ण घर में जो अजय का जो साथ है वो कुछ अलग ही होने वाला है। तो थोड़ा से राज आज खोले जाते हैं। अजय क्या बताना चाहिए? देखिए हमारे शो का नाम है स्वर्ण घर और 28 तारीख से आने वाला है कलर्स पे 8:30। देखिएगा जरूर। शो के बारे में बताऊं तो स्वर्ण की कहानी है। उस कहानी में उनके पति हैं कमलजीत बेदी और मैं भी हूं। मैं इन दोनों के जीवन का बहुत अहम हिस्सा हूं, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हूं उनकी लाइफ का। ये आप एपिसोड्स में ही पता कर पाएंगे, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि स्वर्ण की लाइफ अलग अलग सिचुएशंस से निकलेगी, उस अलग अलग दौर से गुजरेगी। तो उस दौर में अलग अलग रिश्ते जो होते हैं हमारे जीवन के, वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे और कौन से रिश्ते उसके साथ खड़े होंगे, कौन से रिश्ते उससे दूर हो जाएंगे, ये सब आपको देखने को मिलेगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नयापन है इस कहानी में। और मेरा जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर मुझे नहीं लगता कि अभी तक कभी एक्सप्लोर किया गया होगा टेलीविज़न में, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं ये शो कर रहा हूँ। और सरगुन से मेरी बात हुई थी जब पहली बार उन्होंने मुझे ये शो की कहानी सुनाई थी। वी वर्क टुगेदर, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। फुलवा का जो साथ है, फुलवा हमने एक शो किया था काफ़ी साल पहले कलर्स पे, तो तब से मतलब शी इज़ लाइक अ फैमिली टू मी। एंड तो उसने जब मुझे कहानी सुनाई, कहानी मुझे बहुत पसंद आई, सुन के बहुत अच्छा लगा। बट आई वॉज लाइक मतलब मैं उसके कन्विक्शन को सुनना चाहता था और उसका कन्विक्शन बहुत ज़्यादा है। मतलब यू नो, मैं इस कैरेक्टर को अभी प्ले कर रहा हूँ, धीरे धीरे इस कैरेक्टर में घुस रहा हूँ, इसमें इसको ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो हमेशा से श्योर है इस कैरेक्टर को लेके और मुझे लेके। सो उसका ये था कि क्या रिएक्शन था जब आपके पास आई कि अरे अजय ये चीज़ करनी है, अजीत बनना है तुम्हें? मतलब मेरा शुरू में तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू क्या यार, मतलब कहाँ मुझे करवा रही है, बिकॉज आई एम बिजी विद द अदर थिंग्स। तो मेरा ये था, मैंने कहा क्या, तो फिर फाइनली शुरुआत में तो मैंने उसको बोल दिया था, मैंने कहा लेट्स नॉट यू नो नहीं करते हैं, कभी कुछ और कर लेंगे, क्या कर लेंगे। फिर उसने, फिर हमारी बाद में बात हुई दोबारा, तो मैंने कहा चल कहानी सुना फिर। तो कहानी उसने सुनाई। तो कहानी एक्चुअली बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही इमोशनल है। सो फिर मैं थोड़ा सा वो हो गया, मैंने कहा यार कर लें क्या। एंड शी मतलब उसका मतलब वो अपने कन्विक्शन से 1% भी नहीं हिली। उसका ये था कि अजय तू ही इसको अच्छा कर सकता है, मतलब मेरा अजीत जो है वो, मतलब मैं जानती हूँ कि मतलब मेरी कहानी का अजीत जो है वो तू ही है। तो फिर मैं मतलब आई कुडंट से नो। तो ये जो अजीत जो है वो मतलब कैसे स्वर्ण की ज़िंदगी में है? वो स्वर्ण की के जीवन का हमेशा से हिस्सा था, है और रहेगा। और इट्स नॉट ओनली विद स्वरण, कमलजीत बेदी की लाइफ का भी वो बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। सो वो तो कहानी में ही पता चलेगा आपको। अरे इतने दिनों बाद मतलब एक बार फिर से सीरियल्स की ओर, फिक्शन की ओर, तो कैसा रहा ये जो बीच का जो जर्नी था, थोड़ा गैप, फिर वापस आए हो, तो कितना क्या चेंजेस लग रहे हैं और खासकर यहाँ पर शूट हो रहा है? देखिए हाँ, मुंबई में नहीं है, वो भी एक बात है। और मैं मतलब टेलीविजन, ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के टेलीविज़न से दूर हूँ, कुछ प्रोजेक्ट्स में बिज़ी था, मतलब OTT पे कुछ प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं तो उनमें बिज़ी था। फिर बीच में तेनालीरामा किया था, फिर उसके बाद कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग आ नहीं रहा था और OTT में ठीक ठाक काम चल ही रहा था, तो मैंने कहा चलो। बट मतलब आई एम ग्लैड दैट आई एम कमिंग बैक विद दिस शो, बिकॉज मुझे पूरा यकीन है कि ये शो कुछ ना कुछ करके जाएगा। तो यहाँ पर मुंबई को कितना मिस करने लगे हो अभी से? मतलब शूट शुरू हो चुका है, कैसा जा रहा है? नहीं नहीं मतलब शूट तो शुरू हो चुका है, मुंबई को मिस तो करेंगे, लेकिन देखिए हमको काम करना है, हम एक्टर हैं, हमें तो काम करना है, दुनिया में कहीं भी करवाइए आप। और सरगुन रवि दे लाइक फैमिली, तो बहुत कंफर्ट है यहाँ पे।
दूसरा मतलब एज ए प्रोडक्शन हाउस ऑल्सो, दूसरा यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। चंडीगढ़ मुझे हमेशा से शहर बहुत पसंद है, तो मैं तो अभी तक इन्जॉय कर रहा हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे अपनी इस इनिंग के लिए ऑडियंस से, क्या कुछ? देखिए मैं ऑडियंस से यही कहना चाहता हूँ कि ये बहुत अलग शो है, बहुत यू नो हमारे बीच का शो है, हमारे बीच की कहानी है, तो आई एम श्योर ये आप सभी को बहुत पसंद आएगा। आप प्लीज़ देखिए, और जो भी प्रतिक्रिया हो आपकी अच्छी बुरी जैसी भी, हमें मतलब डायरेक्टली भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बता सकते हैं, और दूसरा कहीं भी आज तक में बता सकते हैं, कहीं भी कलर्स को बता सकते हैं, तो ताकि हम सुधार करते रहें और आपके लिए अच्छा अच्छा काम करते रहें। थैंक यू।